जिलाधिकारी विजय किरण आनंद के निर्देश पर जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना के वृहद क्रियान्वयन के तहत ग्राम पंचायतों को ODF स्थायित्व तथा ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन सहित प्रत्येक विकास खंड में 2-2 मॉडल ग्राम पंचायत को विकसित किए जाने तथा निष्पादन अनुदान योजना परफॉर्मेंस ग्रांट प्राप्त ग्राम सहित 72 गाँव को मॉडल गाँव में विकसित किया जाएगा, जिसके लिए NXC भवन के सभागार में चयनित 50 स्वच्छाग्रहियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। जिसके संबंध में जिला पंचायत राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया कि जनपद के 72 गांवों को मॉडल गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसमें ग्राम पंचायत से संपर्क मार्ग, आंतरिक गलियां, खुली नालियां, जल निकासी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित ODF प्लस के तहत लोगों को जागरूक किया जाएगा, जिससे ग्राम पंचायत का समग्र विकास हो सके। प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्य प्रशिक्षक एवं जिला सलाहकार शशि भूषण सिंह एवं ग्राम पंचायत विकास योजना के एक्सपर्ट राकेश यादव, ग्राम पंचायत विकास योजना के क्रियान्वयन के विशेषज्ञ दीनानाथ गुप्ता, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के जिला समन्वयक बच्चा सिंह सहित चयनित स्वच्छाग्रही मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य प्रशिक्षक शशि भूषण सिंह और जिला पंचायत राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर ने कहा, इसके बाद हम लोग आएंगे पोषण पे और उसमें पोषण के माध्यम से सबको दिखाएंगे, बताएंगे योजनाएं क्या चल रही है, ग्राम पंचायत के अंदर क्या व्यवस्थाएं है, उसका आपने इस चीज को सुधारने के लिए क्या किया, आपको काउंटर, उसके बाद से हम लोग एक डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे बाहर चल करके। कितने देर के लिए आप लोग को टाइम, 3:15 से 4 तक हम लोग यहाँ बैठेंगे। मेरा नाम शशि भूषण सिंह है, मैं यहाँ SLWM एक्सपर्ट के रूप में काम कर रहा हूँ और इस पूरी टीम को मूव कराने, ग्राम पंचायतों में कार्यक्रम को संपादित कराने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। हम इस लोगों को काम कर रहे हैं। जनपद गोरखपुर में स्वच्छाग्रहियों का चयन किया गया है, 50 स्वच्छाग्रहियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है, जो कि 72 ग्राम पंचायतों को मॉडल ग्राम पंचायत के रूप में विकसित करने के लिए 5 दिवस की कार्य योजना तैयार की गई है, जो ये लोग 5 जा करके ग्राम पंचायतों में 5 दिवस रात्रि निवास करते हुए अपने कार्य योजना को बनवाने के लिए वहाँ कार्य करेंगे और उस ग्राम पंचायत को मॉडल ग्राम पंचायत के रूप में विकसित करने हैं। GPDP खुले में शौच मुक्त, ODF प्लस और कुपोषण मुक्ति, बेहतर गुणवत्ता परक शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं जैसे जिसमें टीकाकरण, 100% रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, महिला सशक्तिकरण और पेयजल जैसे, शुद्ध पेयजल जैसे मुद्दों पे ग्राम पंचायत के अंदर सामुदायिक सहभागिता करते हुए कार्यक्रम को पूर्ण करेंगे। 50 चयनित स्वच्छाग्रही प्लस उसमें जो स्वच्छाग्रहियों के अलावा कुछ आंगनबाड़ी के भी सदस्य हैं, कुछ आशा की भी महिलाएं हैं और जो अच्छी थी, जो उनको चैंपियंस बनाने के लिए ODF प्लस के लिए, जो ग्राम पंचायतों को आपको पता है कि ODF हो चुका है 2019 में अपना उत्तर प्रदेश और अपना गोरखपुर जिला, उसको आप जो सेकेंड फेज में जो गवर्नमेंट का जो पूरा फोकस है ODF प्लस पर है। ODF प्लस में मुख्य फोकस है ODF जो हमने कराया है उसमें अस्थायित्व, अगर उसमें कहीं भी शौचालय का गैप है उसको शौचालय बनवाना, प्लस उसके अलावा मुख्य फोकस जो है सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट पे। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में कूड़ा घर है, जो बर्मी कंपोस्ट है, जो और बाकी जो चीज़ें हैं जैसे खाद बनाई जाती है या कूड़ा गाड़ी है, हर घर में कूड़ा कलेक्शन है, डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन है, इस पर फोकस है। लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में जो मेन फोकस है, मुख्य फोकस जो है वो है कि नालियों का निर्माण हो जाए, सोखता गड्ढे का निर्माण हो जाए, वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड हो जाए और जो नालियाँ हैं सभी जुड़ करके लास्ट में किसी न किसी तालाब से वो जुड़े, ये जो है मुख्य फोकस है हमारा लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट पे कि लोगों को जागरूक करने के लिए घर में बाहर इधर इधर कूड़ा ना फेंकें, प्लास्टिक इधर उधर ना फेंकें, जहाँ कूड़ेदान है कूड़ेदान में फेंकें, जो गोबर है या बाकी जो वेस्ट ऐसे हैं जिसको कि यूज किया जा सकता है उसको खाद गड्ढे में डालें ताकि उससे खाद बन सके, केंचुआ का कैसे प्रयोग करें, इसके लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए हम लोगों ने 50 लोगों की टीम बनाई है, जिनको कभी जो NXC भवन में उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है, प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य यही है कि गांव-गांव में जाकर के लोगों को इस बात के लिए प्रशिक्षित करेंगे कि वो लोग
सही से चीज़ों को समझें और ODF प्लस के जो मुख्य घटक जो हैं कि इधर उधर कूड़ा नहीं फेंकना है, जो ठोस कूड़ा का प्रबंधन है और जो द्रव कूड़ा का प्रबंधन है, इस पर वो फोकस करें और सही से जो है गांव जो है एक स्वच्छ गांव का जो संकल्पना की गई है, स्वच्छ गांव की संकल्पना जो है तभी ये सही रूप से पूर्ण होगा। अभी कितने गाँव के अभी हमने पहले सबसे पहले 72 ग्राम पंचायतों को लिया जिसे मॉडल गाँव के रूप में डेवलप करेंगे। ये गाँव जो है सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में जो है ठोस द्रव कूड़ा प्रबंधन में ये गाँव जो है मॉडल गांव की तरह काम करेगी। इसमें 32 गांव जो है परफॉर्मेंस ग्रांट के हैं और 40 गांव हर ब्लॉक से हमने दो दो ऐसे गांव लिए हैं जहाँ की जो अच्छे हैं कि किसी में जहाँ पर कि प्रधान अच्छे हैं और जहाँ पर लोग जनता जागरूक है, ऐसे लोग गांव को लिया गया कि इसको हम लोग मॉडल के रूप में डेवलप करेंगे। थोड़ी धनराशि भी है ताकि, क्योंकि इसमें जो कंपोनेंट्स के निर्माण की धनराशि की आवश्यकता होती है, ऐसे गाँव को सबसे पहले लिया गया। ऐसे 72 गाँव को हम मॉडल गाँव के रूप में डेवलप करेंगे जब यहाँ की ठोस और कूड़ा का प्रबंधन के लिए इंतजाम रहेगा, लोगों का को जागरूकता कराई जाएगी। उसमें बाद जब ये गांव डेवलप हो जाएंगे, इन गांव से सीख करके फिर बाकी गांव में भी हम लोग अगले 2 वर्षों में 1294 जो सभी 1294 जो हमारे ग्राम पंचायतें और जो 2878 राजस्व गांव हैं सभी को हम लोग ठोस द्रव कूड़ा प्रबंधन से युक्त कराएंगे और एस एल डब्ल्यू एम सभी ग्राम पंचायतों में लागू करा जाएगा। कुछ समय सीमा भी इसका निर्धारित है कितने समय के अंदर? यस, अभी हम लोग अगर आप देखेंगे तो लगातार हम लोग बर्मी कंपोस्ट और सोख्ता गड्ढे पर निर्माण पर फोकस करें। बर्मी कंपोस्ट भी बन रहा है, नाफेड कंपोस्ट भी बन रहा है। अगर आज के दिन में देखें तो गोरखपुर में हमने लगभग 4000 बर्मी कंपोस्ट का निर्माण करा दिया है और लगभग 4500 सोख्ता गड्ढा का भी निर्माण हो गया है। साथ में अभी कुछ दिन पहले हमने अभियान चलाकर केचुआ भी हर गांव में डलवाया था, हर बर्मी कंपोस्ट में डलवाया था ताकि वो खाद के रूप में तब्दील हो सके। तो बर्मी कंपोस्ट और सोख्ता गड्ढा का काम चल रहा है। अगर आज भी आपने अखबारों में देखा होगा तो पिछले 1.5 महीने में गोरखपुर में ग्राम पंचायतों के द्वारा 97 किलोमीटर ढकी हुई नाली या भूमिगत नाली का निर्माण कराया गया है। ये भी SLWM का ही पार्ट है, जो लिक्विड वेस्ट हो वो बाहर खुले में न रहे, नालियाँ खुली रहती है उसमें गंदगी होती है, उसमें मक्खियाँ आती है, उससे बीमारी का होता है। इसलिए जो भी अब हम लोग जो भी नालियाँ बना रहे हैं DM सर के निर्देशानुसार, जिसमें जिलाधिकारी महोदय का बहुत बड़ा योगदान है, उन्होंने उनकी एक संकल्पना थी उसको फोकस करते हुए और सरकार की भी संकल्पना है उसके आधार पर हम लोगों का जो मुख्य फोकस अभी है कि जो भी नालियों का निर्माण हो वो ढकी हुई हो या भूमिगत नाली हो। भूमिगत नाली में बस इतना ध्यान रखना होता है कि चैम्बर जो पास पास हो, 10 फीट से ज़्यादा दूर पर चैम्बर ना हो। तो इस पर भी हम लोग कार्य कर रहे हैं हर ग्राम पंचायतों में। सोख्ता गड्ढे का भी निर्माण हो रहा है, कूड़ा गाड़ी का भी हम लोग इंतजाम करा रहे हैं कि जहाँ भी कूड़ा गाड़ी अगर नहीं है तो उस गाँव में कूड़ा गाड़ी हो, डस्टबिन जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पर डस्टबिन हो। और इस तरह से जो भी चीज़ें फर्स्ट फेज में SLWM करने के लिए है, वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड का भी हम लोग कर रहे हैं कि हर गांव में एक तालाब को चिन्हित कर लिया जाए, जो तालाब गंदा हर गांव से दूर है उसको जो जहां जितना भी पानी होगा गांव का जो द्रव पूरा ग्रे वाटर जो होगा वो सब उसी तालाब में जाए। इसी सारे गाँव में कुछ ना कुछ इस तरफ से कोशिश की जा रही है और पूरे गाँव का हमने 2 साल का टाइम लाइन लिया है कि 2 वर्षों में जो है पूरी के पूरे गोरखपुर को SLWM से युक्त कर दिया जाएगा।